स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। UPSSC संघर्ष के 6 साल बाद आज चेहरों में होगी खुशी, 6 साल बाद आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जूनियर इंजीनियर 2018 की भर्ती के बारे में, जिसमें आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होने वाला है। तो 6 साल के लंबे संघर्ष के बाद आपको वह खुशी मिलेगी, क्योंकि आपको पता है, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये छः साल आपके कैसे बीते और कितना संघर्ष आपको करना पड़ा। तो बहुत बड़ी आज खुशी का दिन है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, और उनको जितने भी अभ्यर्थी हैं जी 2018 के, जिनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, उन सभी को स्टडी विद मोटिवेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और वीडियो में साथ ही बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड के नियुक्ति पत्र से भी संबंधित, कि इनका नियुक्ति पत्र कब तक वितरित होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है, रोजगार का उपहार युवाओं के साथ सरकार, मिशन रोजगार के तहत यहाँ पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1334 अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन को नियुक्ति पत्र वितरण योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों के द्वारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं गरिमामय उपस्थिति। तो कौन कौन से यहाँ पे मंत्री उपस्थित हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल कुमार नंदी, ओम प्रकाश राजभर, दिनेश खटिक, बलदेव सिंह औलख, रामकेश निषाद, इस तरीके से जितने भी मंत्री हैं, क्योंकि विभाग के भी मंत्री हैं, जो जो डिपार्टमेंट है उसके मंत्री हैं, तो इन सबका की उपस्थिति होगी। और ये आपका जो कार्यक्रम है यहाँ पर देख सकते हैं आप, 4 सितंबर आज ही आपका ये कार्यक्रम है, प्रातः 10 बजे से लोक भवन सभागार लखनऊ में। तो उन सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई कि आखिर लंबे समय के बाद अब इन सभी अभ्यर्थियों के हाथों में नियुक्ति पत्र होगा और एक गवर्नमेंट जॉब उनके हाथ में होगी। तो अब बात करें अगर फॉरेस्ट गार्ड के नियुक्ति पत्र की, तो फॉरेस्ट गार्ड की जो नियुक्ति पत्र है वो आपका अक्टूबर में संभावित है, अक्टूबर में आपको मिल सकता है, जो संभावना है अक्टूबर में। लेकिन कोई भी अगर मुझे लेटेस्ट अपडेट और कंफर्म डेट का पता चलता है कब तक होगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। लेकिन अक्टूबर में आपका जो संभावना है, जो उम्मीद है कि नियुक्ति पत्र आपको मिल सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।